हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में लिखा हुआ है 11 जून को एसएससी सीजीएल 2024 का वो नोटिस आ जाएगा। कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भी एमटीएस का नहीं आया जो 7 मई को आने वाला था, तो एमटीएस के नहीं आया तो सीजीएल का कैसे आएगा। देखो, दोनों ही बातें यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट में 2017 या 2018 में आई थिंक ऐसा हो चुका है कि कैलेंडर में एमटीएस का नोटिफिकेशन पेंडिंग था लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाया, तो एसएससी ने उसको पोस्टपोन ही कर दिया था। बिकॉज अगर आप स्केल की बात करें तो एसएससी सीजीएल एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएस से। हालांकि एग्जाम तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, पर सीजीएल में क्योंकि ग्रुप बी ऑफिसर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ग्रुप सी के लोगों की होती है और वैकेंसी वहाँ पे अच्छी खासी आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 100 दिन आज से मान लें ना, हम तो देखो मान के चलेंगे कि 11 जून को नोटिफिकेशन आ रहा है तो अपनों को तो वैसे तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगी। और मैंने कल कैलेंडर भी बताया था, है ना, जो कि पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे था कि आपका जो टीयर वन का एग्जाम कब हो सकता है, टीयर वन का रिजल्ट कब आ सकता है और फाइनली आपका टीयर टू का एग्जाम कब होगा सीजीएल 2024 का। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके लगभग आपके पास में 100 दिन है, आज से 100 डेज आपके पास में है। तो 100 डेज के में आप कैसे आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, जो भी चीज़ें देखो है, मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जो आपको पहले से पता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिस चीज़ को आपको कंटिन्यूसली फोकस करना है, मतलब थ्रू आउट प्रिपरेशन इन चीज़ों को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि आप बिगनर हो, आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता है और आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई एग्ज़ाम को शुरू से शुरू कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम में केवल दो ही फेजेस हैं, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस, टीयर वन और टीयर टू। टीयर वन और टीयर टू में एक कॉमन चीज़ है, वो है सिलेबस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सिलेबस आप पर टीयर टू का है वही टीयर वन का है। टीयर वन क्वालिफाइंग है ये बात अलग है, लेकिन सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो टीयर टू का है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, टीयर टू होना चाहिए। आपको जो तैयारी शुरू करनी है वो टीयर टू की पहले करनी है और टीयर टू में अच्छे से परफॉर्म करो, टीयर टू के बारे में फोकस करोगे। अगर टीयर टू की प्रिपरेशन आपको बहुत ढंग से आपने कर लिए तो ऑटोमेटिकली टीयर वन आपको क्वालिफाई हो ही जाएगा क्योंकि सिलेबस सेम है। समझ में आई ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ अभी से वो फोकस कर रहे हैं, अरे लास्ट ईयर टीयर वन का कट ऑफ कितना गया था, जेएसओ का कितना गया, डबल ए का कितना गया। आपको क्या लेना देना उससे, जब आपको ये बात पता है कि वही क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, ये चारों चीज़ें टीयर टू के अंदर भी आ रही है और वही चीज़ टीयर वन के अंदर भी है, तो हमको टीयर टू पर ही फोकस करना चाहिए। तो आपको जो शुरुआत करनी प्रिपरेशन की वो टीयर टू के लिए करना है, टीयर वन के लिए छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ से फोकस करना कि आप जो प्रिपरेशन आप करने वाले हो उसमें आपका जो फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी वो टीयर टू होना चाहिए, मेंस होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को लेकर मैं तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको इस बारे में आप नहीं सोच रहे होंगे, आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो अभी आपने अगर आप शुरू करना है मान लो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उस एग्ज़ाम में होने वाले पेपर को देखो। देखो, सीधी सी बात है, रीजनिंग, क्वांट, जिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये यार ऐसे सब्जेक्ट्स है जो भारत की हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में चले जाएं, बैंकिंग में चले जाएं, कोई भी एग्जाम, रेलवेज में, हर जगह ये सब्जेक्ट्स आते हैं। बट इन्हीं सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम का अपना अपना पैटर्न होता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का आप ले सकते हो या 22 का ले लो, जो भी है, एक पेपर मिनिमम आप उठाओगे और उसको उठा करके देखोगे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, हो सकता है आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो और देखो कि आप क्या करते हो, कितना परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ मॉक टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पहली बात तो ये कि ना अभी डेली मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जब तक एग्ज़ाम का नोटिस ना आता है, जब तक आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, है ना, जस्टिफाइबल तो होना चाहिए ना सिलेबस। आपको सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ है और आप धनाधन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वो किसी मतलब का ही नहीं है क्योंकि आपको, आपने भी सीखा ही नहीं है सब कुछ। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, जब भी स्टार्ट करते हो, आप हमेशा हर मॉक टेस्ट का अच्छा सा एनालिसिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं भी पढ़ाई करता था ना, तो मैंने भी इस चीज़ को ध्यान दिया था कि यार अपन से मॉक लगा कर नंबर देख ले रहे हैं, अपन एनालिसिस तो करते ही नहीं है। और एनालिसिस जब हम नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें जो मॉक टेस्ट से हमको सीखना चाहिए वो हम सीखने से वंचित रह जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला काम जो नोट कर लेना, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको उसका ढंग से एनालिसिस करना, बहुत ढंग से आपको अच्छी तरह देखना है कि मैंने जब मॉक में
जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था या कर रही थी तो ये एक सवाल मेरे सामने आया, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो एनालिसिस पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट का, बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप आज की तारीख में कर रहे हो, जब आपके एग्ज़ाम में 2-3 महीने बचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अभी बाकी है। तो आप ये कैसे मान ले रहे हो कि मान लो आपका स्कोर 110-120 ही आ रहा है 200 में से, तो आपने ये चीज़ कैसे मान ली कि आपका जो स्कोर आ रहा है वो कम आ रहा है? भाई आपने तैयारी ही नहीं करी अभी तो कभी फोकस है ना स्कोर में मत करना। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, एनालिसिस किया, अटेम्प्ट किया, एनालिसिस किया, स्कोर जो भी आ रहा हो वो अभी रेलेवेंट नहीं है। अभी रेलेवेंट क्या है कि मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से आपको एक एक चीज़ को फिगर आउट करना है, एक एक कमियों को बाहर निकालना है और उस कमी को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको स्कोर को फोकस नहीं करना, आपको अपनी परफॉर्मेंस को फोकस करना है और अपनी कमियां सामने निकाल के रखनी है जिसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे। तो समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट का, तीसरी चीज़ है जब भी आप मॉक लगा रहे हो ना, देखो ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं भी, जब भी आप मॉक लगा रहे हो ना तो ये जरूर कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही ही हो, है ना। अब आप बोलोगे उसमें कौन से नई बात है, हम तो क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट करेंगे ना कि सही क्वेश्चन हो। बट यार एक चीज़ समझो, जो पुराना पैटर्न था एसएससी का उसके अंदर तो टीयर टू के क्वेश्चन होते थे, उसमें जो माइनस मार्किंग थी वो थी -0.25, मतलब कि 1/4 था, मतलब कि एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसका 1/4 हिस्सा आपका माइनस होता था अगर आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। अब नए पैटर्न में क्या है, वो माइनस मार्किंग 1/3 हो गई है, तो ये एक बड़ा नंबर है। अगर आप 1/3 माइनस मार्किंग में, अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है और उसके बावजूद वो आपको गलत कर दे रहे हो तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तो इस एग्ज़ाम में जो कि टीयर टू का एग्ज़ाम है, जो कि आपके लिए रैंक लगाएगा, इस एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, ये 100 दिन का जो भी टीयर वन का समय है, इन 100 दिनों में ना एक एटीट्यूड हमेशा रखना कि कुछ भी हो जाए मुझे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आप क्वेश्चन को छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को गलत मत करना, क्योंकि होता क्या है ना जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो कई सारी एटीट्यूड्स, कई सारे आदतें हम डेवलप कर लेते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और फिर हम सोच नहीं पाते कि हमने क्या गलत चीज़ें डेवलप कर ली है। और उसी में से एक चीज़ होती है कि कोई क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो हमने कैसे भी करके अटेम्प्ट कर दिया, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग में, आपको ये पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि क्वांट और रीजनिंग में टीयर टू में 30-30 सवाल आएंगे, ये 60 सवाल 60 मिनट में आपके पूरे सही के सही होना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपको टॉप 500 में रैंक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको, मॉक टेस्ट जब भी लगा रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो एक्यूरेसी लेवल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस करके करना, कोशिश करना कि हर बार मुझे एक्यूरेटली सॉल्व करना है। और जब ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप मतलब नेचुरली क्वेश्चन आप सही करोगे, आप गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, ये हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बहुत जरूरी है, जो बच्चे करते नहीं है। जैसे मैं हर साल देख रहा हूँ, मतलब मुझे लगभग 7-7.5 साल हो गए है ना, और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर दे के आते हैं, जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं है ना। अब मॉक टेस्ट लगाते लगाते जब एग्ज़ाम के दिन अगर पेपर दे के आ रहे हैं तो पेपर दे के आने के बाद में जब वो सवाल देख रहे हैं तो वो देखते हैं, अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो मैं कर पा रहा था, पर मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं उस समय क्यों नहीं कर पाया। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या एग्जैक्टली? आपने पूरी तैयारी के दौरान पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप हल्के में मत लेना। बहुत सारे बच्चे, आप आज 100 दिन आप मान रहे हो, आज आप जो पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में लिखो, फिर उसको पीरियोडिकली रिवाइज करो। आपने आज जो किया आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे मैंने कितना पढ़ाया और मैंने इसको कितनी बार रिपीट किया अपने माइंड में। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, कुछ भी चीज़ है, कोई फॉर्मूला है या कोई इंग्लिश का रूल है, कुछ भी है, अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया बार बार, आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं गया है ना, जब भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नेचुरली सॉल्व करना है। जब तक आप उसको रिविजन ढंग से नहीं करोगे, आप ये मान के चलो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो एग्ज़ाम में आ तो गया, लेकिन संभव है कि आप उसको, आपको क्लिक नहीं करेगा या आप उसको गलत सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपने ढंग से रिविजन नहीं किया। तो रिविजन की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, पीरियोडिक रिविजन करो, ये डिसाइड करो कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ को मुझे कितनी बार रिपीट करना है, और वो हर चीज़ क्लियर कट पेपर पर लिखी हुई होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो डेफिनेट सी बात है एक रोड मैप अपने लिए बना रहे हो, मैप है कि आपकी सक्सेस का मैप है। जो पोस्ट आप ड्रीम पोस्ट है ना आपकी,
कोई भी हो सकती है, कोई सी भी ड्रीम पोस्ट है, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, उस नौकरी में इस एग्ज़ाम में पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, मतलब ये कुछ भी आपके वहाँ पे काम नहीं आने वाला है, बट इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना आपकी प्रायोरिटी है, इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ करके आपको अच्छी रैंक लगाना आपकी प्रायोरिटी है। तो कोशिश ये करो कि कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अभी, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हो अभी, क्योंकि समय आगे आके चला जाएगा, वो एग्ज़ाम की डेट इंतज़ार नहीं करेगी, रिजल्ट इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। तो यही था बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में तो बिल्कुल बता सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो बता देना, वो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।